मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको ज्ञान सागर पाठ से समय के प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। ये इसका भाग तीन है। प्रश्न है, कविता में मनुष्यों को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है? कविता में मनुष्यों को समय के साथ चलने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि समय सदा गतिशील रहता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि समय एक बार निकल जाए तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। संसार में समय ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। समय के साथ चलने वाले व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करते हैं। प्रश्न नंबर दो है, प्रकृति समय के अनुसार चलती है, स्पष्ट करें। समय आने पर ही वर्षा होती है, गर्मी आती है, जाड़ा आता है और बसंत ऋतु आती है। समय के इशारे पर ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यानी ऋतु का चक्र बदलता है। इस तरह प्रकृति भी समय के अनुसार चलती है, समय के नियमों का पालन करती है। प्रश्न नंबर तीन है, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है? जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा, पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि समय की कीमत और उपयोगिता जानने वाले लोग कभी भी समय को बर्बाद नहीं करते। वे समय के अनुसार अपने काम करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। प्रश्न नंबर चार है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है कवि? कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि समय बहुत कीमती है। समय निरंतर चलता रहता है और किसी का इंतजार नहीं करता। प्रकृति भी समय के साथ चलती है, अतः हम भी समय के अनुसार चलें, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही जीवन में उन्नति करता है। तो हमें भी समय के अनुसार चलना है। ये प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं आज। धन्यवाद।